जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे पटेल फिजिक्स चैनल पे। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए फिजिक्स में एक नंबर से फिजिक्स का महा मैराथन क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आप लोग रेडी रहिए, अभी वक्त है। तो तब तक आप लोगों को कुछ हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है वो आप लोगों को तब तक हम आप लोग पढ़ाएंगे, और आप लोग हर रोज़ एक वीडियो इस पर हम अपलोड करेंगे जिससे आप लोग देखेंगे। ये भी आप लोगों को ट्वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं, ट्वेल्थ में काफ़ी बार पूछा हुआ है एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले तो हम उसको बताएंगे, और रिफ्रैक्शन के बाद हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों को स्नेल्स लॉ के बारे में बताएंगे। और ये स्नेल्स लॉ ट्वेल्थ में कई बार पूछ चुका है और ये इस बार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझिए। डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पहले समझिए। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे उस समय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप पढ़े होंगे कि जब भी कभी भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है किसी प्लेन एंड शाइनी सरफेस पर, तो उस सरफेस से लाइट टकरा करके उसी मीडियम में लौट जाता है, और ये जो घटना है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और इसमें कुछ लॉ भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा पढ़े होंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आई आर दोनों आपस में बराबर होता है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। लेकिन डियर बच्चों, हम लोग इसका दूसरा चीज पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। नहीं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप ध्यान से समझेंगे क्या होता है। डियर बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, उसको बोलते थे प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश की अपवर्तन उसके बारे में समझिए। डियर स्टूडेंट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अपने पाथ को चेंज कर लेता है, और यही जो फेनोमेनन है यही मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो किस प्रकार से पाथ को चेंज करता है डियर बच्चों, तो जब भी कभी भी कोई रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वह नॉर्मल के तरफ झुकेगा, और अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है इस सभी चीज़ के बारे में हम जानिए, इसकी डायग्राम बना करके समझाएंगे, और उसके जस्ट बाद आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ाएंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्नेल्स लॉ के बारे में आप लोग बताएंगे। तो जानिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ बिकम्स चेंज। तो इसकी पाथ क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, ठीक है। और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यही जो घटना है यही फेनोमेनन हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। डियर बच्चों, इसमें दो केस हम यहाँ पर बनाए हैं, इसको पहले समझिए। फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम की नहीं, रेयरर मीडियम क्या होता है बच्चों, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम होता है ऐसे मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी अधिक होता है, और डेंसर में लाइट की वेलोसिटी थोड़ा सा कम होता है कि नहीं। रेयरर की तुलना डेंसर में लाइट की वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। रेयरर में मीडियम पार्टिकल्स दूर दूर होता है, और डेंसर में मीडियम पार्टिकल्स नज़दीक नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे हम एयर से लाइट पास करेगा ग्लास के तरफ, तो एयर मेरा रेयरर मीडियम होगा क्योंकि उसमें लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो ग्लास हो जाएगा मेरा डेंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रेयरर और डेंसर को हम आसानी से समझ सकते हैं, आगे भी देखेंगे। तो जब भी कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के तरफ जाती है तो वह गेट बेंड ट्वास द नॉर्मल, वह नॉर्मल के तरफ झुक जाती है, यानी अभिलंब के तरफ झुकती है।
दूसरा यहाँ पे केस सेकंड में देखेंगे, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। यानी जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर के तरफ जाएगा तो नॉर्मल के तरफ झुकेगा, और जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के तरफ जाएगा तो वह नॉर्मल से दूर चला जाएगा। चलिए इसकी हम लोग डायग्राम बना करके समझते हैं कि नहीं। आगे डियर बच्चों, सबसे पहले इसका डायग्राम को हम लोग समझते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये एक ऐसा लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये दो मीडियम को अलग अलग कर रहा, सेपरेट कर रहा। ऊपर के मीडियम को बच्चों हम मान लेते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और नीचे के मीडियम को हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। अब समझिए, जैसे कभी भी कोई रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट करती है रेयरर से डेंसर के तरफ, जैसे रेयरर से डेंसर के तरफ जाती है, ऐसे आया रेयरर से आया लाइट, और ये रेयरर से डेंसर के तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर यह आई एंगल पर आया, ठीक है, और यहाँ पर आर एंगल बनाते हुए इधर चला गया, ठीक है, आर एंगल बनाते हुए चला गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कि ये चूंकि रेयरर से डेंसर के तरफ जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर जो लाइट है ये थोड़ा सा ये नॉर्मल के तरफ बेंड किया है कि नहीं। ये जो हमारा है बच्चों ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, और ये मेरा इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर के तरफ जाता है तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। इस लाइट को बच्चों जाना कैसे चाहिए था, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जा करके ये थोड़ा सा ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर गया है, ठीक है। जबकि चूंकि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये रेयरर से डेंसर के तरफ अभी लाइट पास कर रहा है। सेकेंड हम लोग समझते हैं इसी में कि जैसे आप मान लो कि हमारे पास फिर से यही मीडियम है, यानी यही लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर पर मान लो रेयरर मीडियम है और नीचे मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब लाइट पास करेगा रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ, हम सबसे पहले यानी इसमें डेंसर से रेयरर की तरफ पास करेगा, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर बच्चों हम लाइट को पास कराएंगे डेंसर से रेयरर की तरफ। तो डेंसर से ऐसे करके लाइट किया, इंसिडेंट किया, और यह लाइट को जाना कैसे चाहिए था बच्चों, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जा करके थोड़ा सा नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट एंगल था बच्चों, ये जो इसका इंसिडेंट एंगल था, ये एंगल इसका आई एंगल था, और ये इसका रिफ्रेक्टेड एंगल बच्चों आर एंगल है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझिए, इसमें इंसिडेंट एंगल बड़ा था, रिफ्रेक्टेड एंगल कम था, क्योंकि ये नॉर्मल के तरफ बेंड किया था, ठीक है। यानी हेयर हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बड़ा है, रिफ्रेक्टेड एंगल की वैल्यू यहाँ पर कम है, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देखो कि जब भी कभी भी कोई डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है कि नहीं, नॉर्मल से दूर चला जाता है, यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हेयर यानी आई की जो वैल्यू है वो छोटा है और आर की वैल्यू यहाँ पर बड़ा है कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो यही हमारा डिफ्रैक्शन कहलाता है, इसको याद रखेंगे। जैसे हम क्या देखें इसमें कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर के तरफ गया तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड किया, लेकिन जब भी डेंसर से रेयरर के तरफ गया तो ये नॉर्मल से दूर चला गया, नॉर्मल से अवे हो गया कि नहीं। यही घटना हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है बच्चों। जहाँ तक आपको समझनी है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो रेयरर, रेयरर का मतलब होता है ऐसे मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी अधिक होता है, यानी इसमें क्या होता है कि इसके जो मीडियम पार्टिकल्स होता है वो दूर दूर होता है कि नहीं। जैसे हम इसको हम लोग विरल माध्यम भी कहते हैं, हिंदी में से विरल माध्यम कह सकते हैं,
और जैसे इसमें क्या होता है बच्चों, डेंसर मीडियम में कि मीडियम पार्टिकल बहुत क्लोजली होता है, नज़दीक होता है कि नहीं, उसमें लाइट वेलोसिटी कम हो जाता है, और इसको हम सघन माध्यम भी कह सकते हैं जिससे मीडियम पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक होता है कि नहीं। तो इसमें क्या देखें, ये नॉर्मल के तरफ आया, ये नॉर्मल से दूर चला गया कि नहीं। और हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद इसी में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जानिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन का कुछ नियम है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डियर बच्चों, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम लिखेंगे कि व्हेन, इसमें द इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane, in the same plane, यानी इसमें भी क्या होता है बच्चों कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है और नॉर्मल, या तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही सतह में होता है, ठीक है। और इसमें इसका जो दूसरा होता है बच्चों, ये हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है, स्नेल्स लॉ। और डियर स्टूडेंट, आप लोग इस स्नेल्स लॉ को याद रखेंगे, चूंकि आप लोग टेंथ में भी पढ़े होंगे स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ। ये बच्चों स्पेशल 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इससे आप लोग निश्चित याद कर लेंगे, स्नेल्स लॉ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। स्नेल्स का नियम क्या है, स्नेल का नियम, ये जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसी के बारे में ये नियम दिया गया है स्नेल्स का लॉ के द्वारा, यानी स्नेल्स के द्वारा कहा गया कि जब भी कभी भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका जो इंसिडेंट एंगल होगा साइन आई और रिफ्रैक्टेड एंगल होगा साइन आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और दोनों का जो रेशियो होता है यह म्यू के बराबर होता है, और म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कि नहीं, इसमें क्या होता है, 4 ए पार्टिकुलर पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड द पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम then the ratio of sine angle of incident I and the medium in the ratio of sine angle of incident and the sine angle of refraction are remains constant। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से समझिए कि नहीं, ये जो स्नेल्स का नियम है इसको आप समझेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। स्नेल्स लॉ में लिखा है कि फॉर ए पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, कि नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई जो लाइट पास करता है वो कोई निश्चित कलर है कि नहीं, निश्चित कलर है, फिक्स कलर है, और पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम,
और जो दो मीडियम का पेयर बनाए हैं वो भी फिक्स है, वो चेंज नहीं करने वाला है, एकदम फिक्स है दोनों। तो उस केस में जो रेशियो होगा हमारा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई का, इंसिडेंट एंगल साइन आई का, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा हमारा यानी साइन आर का, ये दोनों का अनुपात हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। इसी हम लोगों ने लिखा कि फॉर ए पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड द पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी बच्चों इसमें ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि ये मेरा एक लाइन खींच दिए, ठीक है, और सपोज करो कि आप ये इससे मान लीजिए कि ये मेरा ऊपर वाला रेरर मीडियम है, ठीक है, रेरर मीडियम है, और नीचे सब कुछ करो डेंसर है, या डेंसर मीडियम, ऊपर रेरर है नीचे डेंसर है। अब लाइट पास करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, जैसे यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और यहां पे एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं इस पे इस प्रकार से, और लाइट इंसिडेंट करेगा और ऐसे करके रिफ्रैक्ट करेगा, इंसिडेंट किया था आई एंगल पर, रिफ्रैक्ट किया आर एंगल पर, ठीक है। तो स्नेल्स का नियम इसमें कहता है बच्चों कि जो ये रेशियो है हमारा कि नहीं, डेट इज जो साइन आई बाय साइन आर का जो अनुपात होगा ना रेशियो, ये कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और इसी कॉन्स्टेंट को बच्चों हम लोग म्यू नाम दे देते हैं, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को क्या नाम देते हैं, म्यू। और ये जो म्यू है बच्चों ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है, वेयर ये जो म्यू है इस म्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यह मीडियम के लिए होता है, और ये हर अलग अलग मीडियम के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी बच्चों, रिफ्रैक्टिव इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या देखे कि इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है यह तीनों एक ही प्लेन में होता है। दूसरा स्नेल्स का नियम हम लोग देखा कि अगर किसी पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए और पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो रेशियो होगा हमारा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी साइन आई का और जो साइन आर का है ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि साइन आई बट्टा साइन आर की रेशियो कॉन्स्टेंट है, और इसी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर म्यू हमारा क्या है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों कि ये जो म्यू है बच्चों इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे आप समझिए इसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल कुछ समझिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग म्यू का वैल्यू फॉर एयर के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए बच्चों, तो एयर के लिए याद रखना है वन होता है, ठीक है, ये किसके लिए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फॉर एयर, या वैक्यूम भी कर सकते हैं, एयर हो या वैक्यूम हो म्यू का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। सेकंड नंबर में जैसे समझिए कि म्यू का जो वैल्यू होता है बच्चों, जैसे हम ग्लास के लिए लिखते हैं म्यू फॉर ग्लास, या स्मॉल जी भी दे सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए 3/2 या नहीं तो इसे हम लोग 1.5 बोलेंगे, ये किसके लिए है बच्चों, तो फोर ग्लास के लिए, ठीक है, किसी ग्लास के लिए ये वैल्यू होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो है वैल्यू बच्चों ये जैसे म्यू फोर वाटर, वाटर के लिए 4/3 या नहीं तो 1.33 यानी ये किसके लिए होता है, तो फोर वाटर के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार 12th में पूछ चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के लिए, डायमंड के लिए क्या होता है बच्चों, ये होता है 2.42 होता है, जो कि 4 डायमंड के लिए होता है, डायमंड के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग मीडियम में म्यू की वैल्यू अलग अलग होता है, जैसे 1 होता है एयर या वैक्यूम के लिए,
थ्री बाई टू यानी तो 1.5 होता है ग्लास के लिए, 4/3 या 1.33 होता है आप लोग वाटर के लिए, और डायमंड के लिए होता है 2.42 होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरत भी पड़ेगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। हम लोग आगे समझेंगे बच्चों कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसी पे डिपेंड करता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझिए, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी म्यू के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और भी जानकारी है। देखिए बच्चों, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह न आई पर डिपेंड करता है न आर पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि नहीं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स does not depends on I and not depend depends on R, but it depends on the nature of the medium, बच्चों जैसे समझिए, जैसे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है हमारा, जो ये स्नेल का जो वैल्यू है साइन आई बट्टा साइन आर की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है, अगर मान लो कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या होता है बच्चों कि हम इस इंसिडेंट एंगल को अगर कम करते हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी कम होगा, अगर इंसिडेंट एंगल को ज़्यादा कर देते तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा होगा, यानी आई को चेंज करेंगे तो आर भी चेंज होगा, अगर आई चेंज करेगा और आर चेंज करेगा इस प्रकार से चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रेशियो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज करेगा, आई भी बदलेगा आर भी बदलेगा, लेकिन इसकी जो रेशियो रहेगा वो हमेशा बच्चों कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही पर यही लिखा हुआ यहाँ पे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आई और आर पर डिपेंड नहीं करता है, अगर आई बदलेगा तो आर भी बदल जाएगा, लेकिन म्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, लेकिन यह डिपेंड करता है किस पे, तो ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, अगर मीडियम को चेंज कर देंगे बच्चों तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फिर बदल जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा में लिखेंगे बच्चों कि ये डिपेंड करता है किस पे, जानिए, इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट, यह कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। यह कलर ऑफ लाइट पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, अब थोड़ा सा समझिए कि नहीं, एक इक्वेशन होता है कॉची इक्वेशन, जैसे इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वह परपोस होता है 1/λ/2 का, कि नहीं, एक इक्वेशन होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों परपोस होता है 1/λ² किसको हम लोग वैसे कॉची इक्वेशन कहते हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि इसमें एक बात याद रखना है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है परपोस होता है वेव लेंथ के स्क्वायर का। जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि जैसे 7 कलर होता है विबज्योर, VIBGYOR विबज्योर, ठीक है। इस विबज्योर बच्चों की इसको बनाया गया है वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया, यानी कि इसमें ऐसे समझिए कि यहाँ पे वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, यानी इस केस में वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव घटेगा, और वेवलेंथ घटेगा तो रिफ्रैक्टिव बढ़ेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में इस ऑर्डर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों ये घटता है, यानी जब वेवलेंथ बढ़ता है, जैसे वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक, इसी वजह से रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर वायलेट का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कलर ऑफ लाइट पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ और भी समझते हैं बच्चों आगे, ये दो पॉइंट्स इसका हुआ, और आगे समझिए इसमें
ऐसे समझिए। नेक्स्ट, जैसे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट की नहीं बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। रिलेटिव कंसेप्ट क्या, जैसे मान लो कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो मीडियम के भी एक रिलेटिव कंसेप्ट को बताता है, ठीक है, दोनों के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। और दूसरा, इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों फोर्थ नंबर में कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। इसे भी समझे, देखिए यहाँ पर बच्चों चार पॉइंट लिखे हैं। जैसे सबसे पहले जो पॉइंट है बच्चों, इसमें हम क्या लिखे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, आई पर डिपेंड करता है ना आर पर डिपेंड करता है कि नहीं, ये मीडियम पेयर पर डिपेंड करता है, यह कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, अलग अलग कलर में इसकी वैल्यू अलग अलग होगा कि नहीं, कलर ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। और इसके बाद आप समझिए यहाँ पे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है बच्चों, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे अब समझिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है, और ऊपर पर अगर एयर है या नहीं तो वैक्यूम है, ठीक है, और नीचे कोई मीडियम है, नीचे क्या है, कोई मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, ऊपर का जो मीडियम बच्चों या फिक्स है, ये ऊपर की मीडियम, ऊपर की जो मीडियम बच्चों ये एयर है या वैक्यूम है, नीचे में कोई मीडियम है, तो जब किसी एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, तो ये जो दोनों के बीच का रिलेशन है यही मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझा, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ को भी हम लोगों ने जाना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बिल्कुल आसान लगा होगा। इससे आगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताएंगे। और आप लोग हमारे इस पटेल फिजिक्स चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एवरी डे आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को दे देंगे। और एक नवंबर से याद रखेंगे बच्चों, एवरी डे लाइव क्लासेस आएंगे और पूरे सिलेबस का हम नहीं पढ़ाएंगे, शुरू से हम पढ़ेंगे, अभी के सेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।